हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे क्लास 8 की वर्कशीट, सब्जेक्ट है हिंदी, वर्कशीट है 2 और ये कब की है 14 जुलाई 2021। आज हम क्या पढ़ेंगे, बहुत अच्छी है बातें, मतलब कि ये बुक के साथ नियम, ये बुक से अलग है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहले हमें ये गद्यांश पढ़ेंगे, फिर इनके क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स देंगे। तो पहले इन पिक्चर्स को देखते हैं। फर्स्ट पिक्चर क्या कर रहा है, टीवी से निकल के कुछ बता रहा है। फिर ये पेन की है, फ्रूट्स, और ये एडवर्टाइजमेंट है। ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं। वर्तमान युग विज्ञापन का युग माना जाता है। आज के समय में समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न के अतिरिक्त सोशल मीडिया भी विज्ञापन का सफल साधन है। देखो आजकल में क्या आ गया, पहले तो था ही समाचार पत्र, अब रेडियो भी था ही, अब टेलीविज़न आ गया, सोशल मीडिया आ गया। ठीक है, विज्ञापन का मूल उद्देश्य सामान बनाने वाले और उनको खरीदने वाले में सीधे संपर्क करना होता है। जिसने अधिक विज्ञापन किसी का होना होगी, उतनी ही उसकी लोकप्रियता बढ़ती है। जैसे कि ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हर जगह होगी, जैसे अगर किसी भी चीज़ का लो, एक क्या बोलते हैं, शैम्पू का लो, तो शैम्पू अगर हम एड्स में नहीं दिखाएंगे या कैसे नहीं दिखाएंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा उसके बारे में कि ये शैम्पू है क्या, इसके अंदर क्वालिटी है क्या और ये काम क्या करता है, सो ऑन। इसलिए हमें एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवीज पे, एड्स पे, तभी हमें पता चलता है ना कि हाँ इस क्वालिटी में क्या है क्या नहीं, सो ऑन। ओके, इन विज्ञापन पर धन तो अधिक व्यर्थ होता है, मतलब इन विज्ञापनों पे धन बहुत ज़्यादा ही व्यस्त होता है, मतलब वेस्ट होता है, पर इससे बाकी इससे बिक्री बढ़ जाती है, मतलब कि अगर ज़्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट देखेंगे इससे जो ग्राहक है वो ज़्यादा आएंगे और जो दुकानदार है उनकी बिक्री ज़्यादा बढ़ जाएगी। ग्राहक जब इन विज्ञापन को देखते हैं तो वह उस वस्तु विशेष के प्रिय आकर्षित होकर उसे खरीदना चाहते हैं, मतलब कि अगर लोग देखेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो वो कैसे समझेंगे कि हाँ इस चीज़ में ये एडवर्टाइजमेंट है, सो ऑन। तो लोग ज़्यादा ही देखते हैं तो उनका मन करता है, ले लेते हैं वो। ओके, चलिए हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो देखते हैं। वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से प्रमुख है, तो कौन कौन से हैं, लाइक समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया, सो ऑन। तो ये फर्स्ट का आंसर है, आपको सिंपल से यही लिखना है, समाचार, रेडियो, सोशल मीडिया, टेलीविज़न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञापनों का मूल आदेश क्या है, क्या होता है, तो इसका आंसर यहाँ से है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य सामान बनाने वाले हैं और जो खरीदने वाले हैं उनको होता है, मतलब कि उनको उनके पास ध्यान बटाने के लिए होता है। तो ये किसका है, सेकंड का आंसर। थर्ड चलते हैं, लास्ट नहीं है अभी, 5 है। सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों का विज्ञापनों पर धन क्यों व्यर्थ करते हैं, वो उनकी मर्जी। तो भी इसका आंसर यहाँ से है। तो
पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में से ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सामान बनाने वाले लोग विज्ञापनों पर धन धन वह इसलिए वह इसलिए इसलिए करते हैं क्योंकि करते हैं क्योंकि क्योंकि विज्ञापनों देखो क्योंकि के बाद विज्ञापनों से बिक्री बढ़ जाती। समझ में आ गया क्या लिखना है, क्वेश्चन में से लिखना है, फिर क्योंकि के बाद सेम ये जो ये मैंने लिखा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राहक पर विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्या पड़ता है, लोग ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं फिर आते हैं खरीदते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक फोर्थ का आंसर है। नेक्स्ट हमारा लास्ट है गद्यांश का क्या नाम देंगे, क्या विज्ञापन, क्योंकि अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, विज्ञापन के बारे में, जो पढ़ेंगे वही देंगे ना। तो इसी के साथ हमारी वर्कशीट होती है हिंदी की कंप्लीट। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।